मेरी बात सुनो एक सेकंड। सजल क्या सुनूं तुम्हारी बात? हाँ तमाशा बना दिया तुमने सबके सामने, बेवक्त भाषण देने की जरूरत क्या थी तुम्हें? क्योंकि जो कुछ तुम कर रही थी वो गलत था और हमारी तरबियत हमें ऐसी हरकतों की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। क्या गलत था? तुम्हारी इसी दकियानूसी बातों पे हंस रहे होंगे वो सब, अपना भी तमाशा बनाया और मेरा भी। तुम जानती हो कितने बड़े घर के लोगों की शादी थी ये, और वो तुम्हारी तरह तंग दिल तंग जहन के लोग नहीं थे। तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, किस बदतमीज कजन को अपने साथ ले आई है? तुम जो भी कहो, इस वक्त तुम मेरी जिम्मेदारी और मेरी मौजूदगी में तुम इस तरह की हरकतें करो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि चचा जान को मैं जवाब दे हूँ घर। मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी मैंने भाई। अच्छा, और शायद तुम भूल रही हो कि शादी अटेंड करने की इजाजत भी मैंने तुम्हें दिलवाई सजल। अच्छा, तंस कर रही हो, जता रही हो? बता रही हूँ तुम्हें, इसलिए खाम खाम में अब क्या मुसीबत है, आज तो गाड़ी भी बुक नहीं हो रही। हाँ अगर इतना तमाशा ना करती ना तो रहमा का ड्राइवर मैं घर छोड़ाता। आई बड़ी, अगर नई भी गाड़ी मिली तो मैं चचा जान को कॉल कर दूंगी, वो हमें यहाँ पे लेने आ जाएंगे। आपके लिए तो बेजैरो वेट कर रही है ना, अब्बू की गाड़ी कहीं स्टार्ट ही ना हो जाए। आई बड़ी बातें मना लो उससे, सारा मूड ही मेरा खराब कर। हाँ बेटे, आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं? आंटी वो हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। अरे बैठे गाड़ी में, मैं छोड़ दूंगी। नहीं नहीं आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। इतनी बड़ी गाड़ी है, पिजारो पिजारो, कभी कभी जिंदगी में मौका ही नहीं मिलेगा इस गाड़ी में बैठकर, मौका नहीं हाथ से जाने देंगे। चलो 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 चलो, निसरहा चलिए, ये फॉर्मेलिटीज फिर किसी वक्त के लिए रख लीजिएगा, इस वक्त आप दोनों का यहाँ खड़े रहना बिल्कुल मुनासिब है। थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमारा रूट बिल्कुल अलग है, आपको आउट ऑफ द वे पड़ेगा। आपका घर जितनी भी दूर, लेकिन आपको यहाँ छोड़कर जाएंगे तो हम सारी रात सो नहीं पाएंगे आपकी फिक्र में, बैठिए गाड़ी में। सही कह रही हैं आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलो 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 चलो। इरहा बेटा, आज हमें आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा, जैसे आपने बड़ी बहन की तरह अपनी बहन को रोका था, बहुत अच्छा किया। लाख लिबरल सही, लेकिन हमें अपनी वैल्यूज कभी भूलना नहीं चाहिए। जी आंटी, बस सजल थोड़ी सी बेवकूफ है, वो इन बातों की गहराइयों में जरा कमी जाती है। तो अच्छी बात है, सजल के पास आप जैसी समझदार बहन मौजूद है, जो इन्हें अच्छे और बुरे वक्त के बर वक्त पहचान करवा सके। क्यों सजल? जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा।